कोलकाता जाने के दौरान किशनगंज पहुंची पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया है। ट्रेन से कोलकाता जा रहे पप्पू यादव ने रेलवे स्टेशन कैंपस का जायजा लिया। उन्होंने लोगों को रैक पॉइंट से हो रही परेशानियों को देखते हुए शहर से बाहर शिफ्ट करने का फोन पर अधिकारियों को निर्देश भी दिया। उन्होंने बिहार को विशेष दर्जा देने की वकालत की और केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी तंज कसा। बिहार का बंटवारा नहीं होना चाहिए। बिहार का बंटवारा हुआ तो विशेष पैकेज मांगा गया, अलग अलग मुद्दे पर हम लोगों ने मांगा। बंद पड़े फैक्ट्री पर मांगा हम लोगों ने, नई फैक्ट्री को रिहैबिलिटेशन के लिए मांगा, एक रुपया नहीं थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में छपरा के दीपक यादव भी शहीद हो गए। शहीद दीपक यादव छपरा जिले के नौवा कला गांव के रहने वाले थे। दीपक जम्मू के अनंतनाग में आर्मी के फास्ट पारा स्पेशल फोर्स के हवलदार थे। दीपक यादव के शहीद होने की खबर मिलने के बाद गांव में मातम पसर गया। आज शाम तक शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। छपरा संवाददाता संतोष गुप्ता ने शहीद दीपक के परिवार से बात की। परिवार वालों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई और गांव के लोगों ने भी स्मारक बनाने की मांग की। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अनंतनाग में जैसे ही दीपक यादव के शहीद होने की खबर पहुंची, परिवार देखिए कैसे गम में डूब गया। लोग जो हैं वो यहां पर शहीद के स्मारक बनाने की मांग कर रहे हैं। अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान दीपक यादव शहीद हो गए। लाल फिर देश के नाम शहीद हो गया है। हम अभी खड़े हैं दीपक यादव के घर पे, जहां मातमी माहौल पसरा हुआ है। हालांकि आप देख सकते हैं कि दीपक की माँ है, रो रो कर बुरा हाल है। कुमारी देवी दीपक की माँ है और नीचे पत्नी का भी बुरा हाल है। पूरे गांव के लोग इस पूरे शोक में, एक तरीके से कहा जाए तो, जिस तरह से आतंकी घटने में दीपक की शहीद हुए हैं। ओ, आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। कर्नल साहब वहाँ से मैसेज, क्या उधर से क्या खबर आई? कर्नल साहब बोले कि उसको चोट लगी है बहुत ज़्यादा, हम लोग इलाज के लिए ले जा रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो हिमाचल सरकार घोषणा की है वही हम लोगों को भी बिहार सरकार से मिलना चाहिए। अभी तक कोई घोषणा नहीं, अभी कोई घोषणा नहीं। दीपक समाचार पूछे तो खोलो जी। दीपक जी मम्मी कुछ के दिक्कत नहीं है, तो हम बताओ दाँत दिक्कत नहीं है, तो सब ठीक बैठे, तो हम कहें सब ठीक बा। पहले इतने पर काट दिल फिर ना तो रोज बतिया तो कहें बतिया लिए तो कहें मम्मी रख तो नहीं, फिर बाद में करें। वो दिन अपने से कट दिलन तो हम पायरा जो हनी बैठे जे फिर दूठ में तो बटियाल ही बनी। फिर बबुआ फोन करी हैं एक घंटा ले बैठ गए जार कहनी ना, फिर फोन कैलन वही बात बोल बहुत दिन से फिर ना बतौले तो बिहान बेल कांड हो गए। दीपक जैसा बेटा बिरले हम लोग को मिलता है। हमारा नहीं, हमारे पूरे गांव नहीं, मेरे पंचायत नहीं, पूरा राज्य इस पर गर्व करता है। और हम लोग का एक ही मांग है कि इसका शहीद का इसका स्मारक बनाया जाए और जब तक दीपक रहेगा तब तक अमर रहेगा। दीपक कभी गया नहीं है और रहेगा, हर हमेशा हम लोग के साथ रहेगा, यही हम लोग की मांग है। हम लोग को सूचना मिला तो बुला है, उस जवान तो देश के लिए समर्पित हो गया मगर उसका एक बच्चा है, उसको आप लोग के, हम लोग मीडिया के माध्यम से चाहते हैं जो उसका बाल बच्चा को कोई स्थान मिले। क्या नाम है आपका? नगेंद्र राय नाम है सर। नगेंद्र राय जो है जो दीपक के मित्र है, पूरा परिवार, एक तरह से कहा जाए कि पूरा समाज दीपक के परिवार के साथ है अभी। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई घोषणा नहीं है, लोगों को इस बात का इंतजार है कि बिहार सरकार दीपक के लिए क्या कुछ। संतोष गुप्ता, न्यूज 18, छपरा।